Hello dear students, after the completion of the incomplete dominance, I think you have completed, our next topic is codominance. What is the meaning of co beta? Yes, co means साथ में. हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, जहां पे भी हमें को वर्ड मिले उसका मतलब क्या हो गया, साथ में. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा था हमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहा था कि जब डोमिनेंट अलील खुद को पूरी तरह से डोमिनेंट एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है, और रिसेसिव और डोमिनेंट का मिक्स, कोई इंटरमीडिएट रिजल्टेंट हमें मिल जाए, तो वो चीज क्या कहलाई थी हमारे पास? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द को डोमिनेंस. क्या डिस्कस करेंगे हम? को डोमिनेंस. When two alleles, को मतलब साथ में, जब आपके पास दो डोमिनेंट अलील एक साथ दोनों खुद को एक्सप्रेस कर जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? को डोमिनेंस. When the two alleles, okay, neither show intermediate condition. Intermediate condition हमने कहां दिखाई थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर. नॉट डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. और डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हमने कहां शो किया था? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप आया था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जहां खुद को एक एक्सप्रेस कर रहा था और एक अपने एक्सप्रेशन को रोक रहा था. जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना हो, ठीक है, ना तो इंटरमीडिएट कंडीशन हो, ना ही डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हो, बल्कि क्या हो कि बोथ ऑफ देम अलील्स, दोनों ही अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दोनों ही अलील एक दूसरे को एक साथ एक ही टाइम में खुद को दोनों एक्सप्रेस कर जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? को डोमिनेंस. जब दो अलील आपके पास ना इंटरमीडिएट कंडीशन में है, ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में है, ना डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है, बल्कि वो दोनों ही खुद को सिंगल टाइम में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट फेनोमिनन इज नोन एज को डोमिनेंस. ओके, सीधा एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल लाइज इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप. ठीक है, अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन द ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डोमिनेंस. यू हैव टू रिमेंबर द टू साइंटिस्ट नेम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली लैंडस्टेनर, ए बी एंड ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ये तीनों ब्लड ग्रुप, चार ब्लड ग्रुप है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, इनमें से ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ किसने दिया था? लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने. यू हैव टू रिमेंबर इट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पुट किया जाता है. एंड द फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टेनी. ए बी ब्लड ग्रुप किसने दिया? डी कैस्टिलो एंड स्टेनी. इफ समवन आस्क्स टू यू ए बी एंड ब्लड ग्रुप, ध्यान दीजिएगा ब्लड ग्रुप ए सेपरेट है, बी सेपरेट है, ओ, तो वो दिया था लैंडस्टेनर ने. और ए बी ब्लड ग्रुप किन्होंने दिया है? डी कैस्टिलो एंड स्टेनी ने. देखिए हमारे पास है चार ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ. इनका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन आई थिंक यू नो, ए के लिए क्या एक्सप्रेशन है? कि वो होमोजाइगस ए हो. दूसरी कंडीशन है वो हेट्रोजाइगस ए हो. ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या है? कि वो होमोजाइगस बी हो, एंड सेकंड वन इज वो हेट्रोजाइगस बी हो. ए बी के लिए क्या है? एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, जिसमें क्या है आपके पास? दोनों अलील प्रेजेंट है, ओ आई ओ आई ओ. हेयर द कैपिटल आई रिप्रेजेंट द जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप, एंड ए बी ओ दीज रिप्रेजेंट द alleles. Here are three alleles, but humans are the diploid one. Diploid organism है human, तो particular individual में इन तीन allele में से कोई दो allele, out of these three only two alleles are present. Okay, blood group का concept भी क्या है बेटा आपके पास? कि जो RBC होगी, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. आरबीसी के सरफेस पे पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, ग्लाइको पॉलीमर यूनिट होती हैं ये, शुगर आप कंसीडर कर सकते हो इन्हें, ये यूनिट होती हैं. दीज प्रोड्यूस एंटीजन, ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन क्या है? ए.
ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन क्या है, बी। ए बी है तो उसके पास क्या है, ए और बी दोनों, और ओ है तो नन, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। यहां जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, अलील ए भी डोमिनेंट है, अलील बी भी डोमिनेंट है, इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप बोथ एक्सप्रेस इटसेल्फ, आई ए आई बी दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनका कंबाइंड रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है ए बी ब्लड ग्रुप। हेयर इन दिस केस ए बी ब्लड ग्रुप शोज द कोडोमिनेंस। एक ही इंडिविजुअल में एक ही टाइम पे दो डोमिनेंट अली दोनों अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। ए बी ओ अलील में ए और बी क्या है, डोमिनेंट, और ओ क्या रह जाता है आपका, रिसेसिव वन। फॉर एग्जांपल हियर द ब्लड ग्रुप ओ, स्मॉल आई रिप्रेजेंट द रिसेसिव फॉर्म, आई जीन है उसकी आई फॉर्म, जो स्मॉल आई है वो रिप्रेजेंट करी उसकी रिसेसिव फॉर्म। इफ वी हियर वी आर राइटिंग आई ओ आई ओ, दैट मीन्स कोई एंटीजन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया है उसके ऊपर, ठीक है। This is the concept of the human blood group. You have to remember the scientist name, must, okay? And they show the codominance. यही codominance मतलब blood group वाला phenomenon आप next topic multiple allelism में भी पढ़ोगे, वहां पे भी ये as an example काम आता है। Now the second example. See the sickle cell hemoglobin HBS and normal hemoglobin HbA. आप इसी चैप्टर में फर्दर एक डिजीज पढ़ेंगे बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप एक डिजीज पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्या है इस डिजीज में, इस डिजीज में क्या है आपके पास, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया और उसके बेसिस पे जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल शेप थी वो सिकल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास, इस शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है, सिकल शेप्ड में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण नॉर्मल एचबी की जो शेप मतलब चेंज हुई उसके कारण उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एचबी ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करेगा तो उतनी क्या है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। द सिकल सेल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल एचबी एस रिप्रेजेंट द सिकल कि उसमें चेंजेस हैं, एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन एचबीए आर कोडोमिनेंट इन द पर्सन दैट आर कैरियर्स ऑफ द सिकल सेल ट्रेट। एक ऐसा पर्सन जिसमें सिकल सेल एनीमिया की डिजीज नहीं है बट वो उसके लिए कैरियर है, नेक्स्ट जनरेशन में उसके जो अलील है उनमें वो पास कर सकता है, इस कैरियर ऑर्गेनिज्म में सिकल सेल एचबीएस और एचबीए दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों ही क्या हैं, डोमिनेंट फॉर्म में हैं एंड दे रिप्रेजेंट द कोडोमिनेंस इन द सिकल सेल कैरियर। कीप इन माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सिकल सेल कैरियर, ओके। Now see the next example. One more example if we discuss then MN blood group we can see. MN blood group mechanism, उसमें भी codominance जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। Now our next topic is multiple allele. Normally diploid organism में कितने allele हैं for a particular character? Two. From the initial stages of this chapter, we are discussing that there are two alleles which get separated during the gamete formation. But here we are discussing about the multiple alleles that we have seen in the case of blood group A, B, O. Three blood group we have discussed. Okay. More than two alternative forms that is allele, I mentioned here, of a gene. एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म इन अ पॉपुलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ इंडिविजुअल हियर, इन अ पॉपुलेशन कीप इन माइंड ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग आर नोन एज मल्टीपल अलील। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स अवेलेबल होना, ठीक है, जो क्या करेंगी एक पर्टिकुलर लोकस एक क्रोमोसोम पे उनकी पोजीशन, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के लिए, मान लीजिए ब्लड ग्रुप है ए ए या बी व्हाटएवर यू वांट टू, या ए बी जो भी आप मानना चाहें, उसके लिए क्या होगा अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए ए दो होंगे, टोटल कितने थे आपके पास ए बी और ओ,
अगर हम ले लें ब्लड ग्रुप ए बी, ए और बी, अगर हम ले लें ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस बी, देखिए व्हाट आई वांट टू से, लोकेशन इज सेम। ये नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए था तो लोकेशन ऊपर है, ब्लड ग्रुप बी आया तो वो नीचे कहीं चली गई, ए बी है तो वो नीचे कहीं चली गई या ऊपर कहीं चली गई या बीच में, द लोकेशन रिमेन्स सेम। पॉपुलेशन में मोर देन टू अलील होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे वो दो ही रहेंगे। इस फिनोमिनन को, पूरे पॉपुलेशन की फिनोमिनन को हम क्या नाम देंगे? मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलीलिज्म फिनोमिनन। एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एज वी हैव डिस्कस्ड कि चार फिनोटाइप आपके पास पॉसिबल हैं, छह जीनोटाइप आपके पास पॉसिबल हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही अलील अपना एक्सप्रेशन दे पाएंगे। नेक्स्ट इफ वी टेक द एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का आप ले सकते हैं, ड्रोसोफिला में 15 अलील हैं आई कलर के लिए, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर फ्रूट फ्लाई बेटा, ओके, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर में फ्रूट फ्लाई में आई कलर के लिए 15 अलील्स अवेलेबल हैं। रैबिट के अंदर कोट कलर के लिए, उनके ऊपर जो कोट कलर व्हाइट वगैरह जो भी आपको नजर आ रहा है उस कोट कलर के लिए 4 अलील्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इनमें से कितने मिलेंगे? सिर्फ 2, ओके। दिस फिनोमिनन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म, एंड द पर्टिकुलर सच टाइप ऑफ अलील इज नोन एज मल्टीपल अलील, ओके।